सो है गाइस, तो फाइनली यहाँ पर मैं आपके लिए टॉप 5 न्यू टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर गाइस इजीली अपना रैंक सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी इनिमी पर, किस तरह से जीतकर रश करना है और उसको किस तरह से मारना है उसकी टिप्स एंड गाइस यहाँ पर को बहुत ही बढ़िया मस्त मस्त एंड गाइस आपको इंटरेस्टिंग इस वीडियो में टिप्स देखने को मिलने वाली है। और वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया गाइस टिप्स देखने को मिलने वाली है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 1। सो गाइस टिप नंबर 1 यहाँ पर आपको सीपी आइकन देखने को मिलेगी और गाइस यहाँ पर इस टिप से बहुत ही बड़े अपना रैंक सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको आ जाना है और गाइस आपको इस टिप्स के अंदर प्लेयर लॉन्च का यूज करना पड़ेगा। फिर गाइस यहाँ पर मैंने जिस पोजिशन में लगाया उसी तरह आपको लगा देना, फिर गाइस इसको छोड़ देना। तो चलिए गाइस इसको हम छोड़ देते हैं। सो गाइस देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर हम बहुत ही बढ़िया हिडन प्लेस पे आ चुके हैं और गाइस इस टिप को यूज करके सामने वाले इनमें या तो गाइस अपने फ्रेंड को बहुत ही बड़े सरप्राइज दे सकते हैं। और गाइस कई बार क्या होता है कि सीपीआर के अंदर बहुत सारे स्क्वाड या तो गाइस बंदे होते हैं जिनको गाइस यहाँ पर मतलब कि छुपकर बहुत ही बढ़िया इस जगह यहाँ पर से मार सकते हैं और गाइस यहाँ पर गन लेके आ सकते हैं ताकि गाइस बहुत सारे एनिमी को इस जगह मार सकते हैं। और गाइस अपना जितना रैंक सर्वाइव करना चाहते हैं उतना रैंक भी सर्वाइव इस जगह कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर डुओ के अंदर या तो स्क्वाड के अंदर तो भी गाइस यहाँ पर आ सकते हैं और गाइस अपने फ्रेंड को बहुत ही बढ़िया सरप्राइज देकर उनका रैंक सर्वाइव भी इस जगह कर सकते हैं। और गाइस अगर यहाँ पर आपको दूसरी तरफ जाना है तो भी गाइस आप इस जगह जा सकते हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 2। सो गाइस टिप नंबर 2 यहाँ पर आपको फैक्टर के दिखा रहा हूँ, लेकिन गाइस इस टिप को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस टिप के अंदर क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो कि रेड एंड गाइस आपको जो ब्लू कलर के बॉक्स देखने को मिल रहे हैं उस पर लैंड माइन लगा देनी है। और गाइस ये आपको जो कि बॉक्स बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगे, इसलिए गाइस मैं आपको ये टिप दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो कि रेड एंड गाइस ब्लू बॉक्स देखने को मिल रहे हैं उस पर लैंड माइन लगा देनी है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो कि एक लैंड माइन लगा दी तो गाइस वो हाइड हो चुकी है। और हाँ गाइस आप जितनी भी लैंडमाइन यहाँ पर लगाओगे तो गाइस वो सारी की सारी लैंडमाइन हाइड हो जाएगी, इसीलिए गाइस मैं ये टिप्स बता रहा हूँ। गाइस कई बार क्या होता है कि लैंडमाइन जो कि मतलब कि कवर लेने के लिए यहाँ पर जो कि सामने वाला एनिमी आ जाता है तो गाइस वो डायरेक्टली डाउन या तो गाइस मर सकता है, इसीलिए गाइस मैं ये टिप्स बता रहा हूँ। गाइस कई सारे भाई क्या करता है कि जो भी लैंडमाइन मिलती है मतलब कि उनको मिल जाती है तो गाइस वो कहीं भी लगा सकते हैं, इसीलिए गाइस मैं कोई टिप्स बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो कि इस तरह के बॉक्स देखने को मिल जाते हैं तो तुरंत गाइस वहाँ पर लगा देने ताकि गाइस कोई भी एनिमी आएगा तो गाइस वो देख नहीं पाएगा और गाइस यहाँ पर डायरेक्टली डाउन हो सकता है या तो गाइस आपको किल भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल सकता है। और गाइस आप लोगों को जो टिप्स बताया टिप्स कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो इसी बात पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 3। सो गाइस टिप नंबर 3 यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, गाइस बहुत ही बड़ा गाइस यूजफुल होने वाली है। तो गाइस इस टिप के अंदर आप यहाँ पर से अगर हाइड होना चाहते हैं तो भी गाइस हाइड हो सकते हैं, अगर गाइस आप डुओ के अंदर या तो स्क्वाड के अंदर तो भी गाइस यहाँ पर अपना रैंक सर्वाइव कर सकते हैं। और गाइस इस टिप को यूज करने के बाद आपको कोई भी सामने वाला एनिमी देख नहीं पाएगा, इसलिए गाइस मैं एक टिप दिखा आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर जो कि आ जाना है और गाइस देख सकते कि यहाँ पर आपको लेट जाना है तो गाइस कोई भी एनिमी यहाँ पर आपको देख नहीं पाएगा। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे भाई को डाउट होगा कि यहाँ पर अगर कोई एनिमी देख लिया तो हम मार देगा, तो गाइस उस तरह का कुछ नहीं होने वाला। गाइस मैं आपको लाइव डेमो के साथ दिखाने वाला हूँ कि कोई भी एनिमी यहाँ पर आपको देख नहीं पाएगा और गाइस अपना जितना रैंक सर्वाइव करना चाहते हो उतना रैंक सर्वाइव इजी देखे कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कोई एनिमी आपको नहीं देख पाएगा, इसलिए क्या करना है कि गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा फ्रेंड जिस तरह से लेटा उस तरह को लेट जाना है। और गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो कि सामने वाले मतलब कि बाहर निकल चुका हूँ, तो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी एनिमी नहीं देख पाएगा। और गाइस मैं जूम करके देख रहा हूँ मतलब कि यहाँ पर मेरा जो फ्रेंड है गाइस वो हाइट जो हो चुका है और गाइस आपको देख नहीं पाएगा। और गाइस कोई सामने वाला जो कि एनिमी यहाँ पर आपको जो कि नजदीक से गुजरेगा तो भी गाइस आपको देख नहीं पाएगा। गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो फ्रेंड है गाइस वहाँ पर लेटा है तो भी गाइस उसको देख नहीं पाएगा। और गाइस अपना जितना रैंक सर्वाइव करना चाहते हैं उतना रैंक सर्वाइव इज दे कर सकते हैं। और गाइस अगर कोई एनिमी आ भी जाता तो भी गाइस उसको यहाँ पे लॉन्ग रेंज की गन या तो आपको शॉर्ट रेंज की गन से उसको इजी तरह मार सकते हैं। कई सारे भाई क्या करते हैं कि हाउस के अंदर छुपते हैं जिनकी वजह से गाइस उनका रैंक सर्वाइव नहीं होता है, तो गाइस इस टिप को जरूर यूज करना। आप चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 4। सो गाइस टिप नंबर 4 यहाँ पर आपको जो कि बहुत ही बढ़ेगा आपके ट्रिप पर किस तरह से आपको हाइड होना है, गाइस ये मैं आपको टिप बताने वाला हूं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड स्टिप जो आपको प्ले स्टेशन में मिल जाएगा तो उस पर आ जाना है। फिर गाइस आपको जो कि यहाँ पर जो प्ले लॉन्चर है उसका यूज करना है। तो गाइस देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर सामने वाला ट्री देखने को मिल रहा है उसको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और गाइस ट्रिप पर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके हाइट हो सकती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसको हमने छोड़ दिया तो गाइस देख सकते हैं कि हम बहुत ही बढ़िया ट्रिप पे आ चुके हैं। और गाइस यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं देख पाएगा और गाइस कोई एनिमी अगर आ भी जाता है तो भी गाइस उसको यहाँ से इजी तरीके मार सकते हैं और गाइस अपना जो कि सरप्राइज दे सकते हैं। और गाइस ये ट्रिप बहुत ही बढ़िया है, गाइस इस ट्रिप को बहुत सारे भाई जो कि यूज करते हैं, लेकिन गाइस मैं कोई ट्रिप बता रहा हूँ क्योंकि इस ट्रिप को यूज करने के बाद अपना रैंक सर्वर इजी तरीके कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर कोई भी एनिमी 100% कहता हूँ कि कोई भी एनिमी नहीं देख पाएगा और गाइस यहाँ पर जो कोई एनिमी आपको इजी तरीके मारना है तो भी गाइस उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सरप्राइज करके मार सकते हैं। और गाइस अपने फ्रेंड को भी बहुत ही बड़े इस टिप को यूज करने के बाद सरप्राइज दे सकते हैं।
और हाँ गाइस, जितने भी भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया हिडन प्लेस एंड गाइस टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो लेके आता रहता हूँ। अब चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 5। सो गाइस टिप्स नंबर 5 आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है गाइस, इंटरेस्टिंग है। तो गाइस इस ट्रिक को यूज करके आप अपने फ्रेंड को या तो सामने वाले इनिमी को बहुत ही बड़े सरप्राइज दे सकते हो। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ को जो कि इलेक्ट्रिक स्टेप बोर्ड देखने को मिल जाएगा उसका यूज करना पड़ेगा। तो क्या करना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक स्टेप बोर्ड गाइस यहाँ पर ले जाए आना है, फिर गाइस सबको जंप लगा देना। तो गाइस देख सकते हैं कि आप डायरेक्टली ऊपर की ओर आ जाओगे और गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर की ओर बहुत ही बड़े तरीके जा सकते हैं और गाइस अपने फ्रेंड को या तो सामने वाले एनिमी को बहुत ही बड़े सरप्राइज दे सकते हैं और गाइस अपना जितना यहाँ पर से ऊपर जाना चाहते हैं उतना भी यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं। और गाइस टिप बहुत ही बड़े है और गाइस इंटरेस्टिंग है, इस टिप को यहाँ पर रैंक के अंदर यूज नहीं कर सकते, लेकिन गाइस जितने भी फ्री फायर लवर है उनके लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस इस टिप को यूज करके अपने बहुत ही बड़े फ्रेंड को सरप्राइज दे सकते हैं और गाइस उसको बता सकते हो कि यहाँ पर मैं जो किस टिप यूज करता हूँ वो किस किस तरह की होती है। तो गाइस इस टिप को यूज जरूर करना और गाइस आपको बहुत ही बड़े स्टिप के अंदर मजा आने वाले। और गाइस क्या करना है कि यहाँ को मास्टर इलेक्ट्रिक का जो आपको प्लेस है वहाँ पर आ जाना है, फिर गाइस ऊपर की ओर चले जाना और गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी एनिमी भी होती है तो गाइस उसको इस जगह मार भी सकते हैं। और गाइस ये टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग और गाइस अपने फ्रेंड के लिए बहुत ही सरप्राइज टिप्स हो सकती है। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैंने जो टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताया उसके अंदर आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी और गाइस आप कौन सी टिप यूज करते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस अगर आपका कोई फेवरेट प्लेस है और उस पर आपको हिडन प्लेस चाहिए तो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उस पर भी हिडन प्लेस लेके आ जाऊंगा। तो चलिए गाइस ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करूंगा कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लेना। और इसी वाले में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।